दोस्तों आज हम बहुत ही स्वादिष्ट दम आलू की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे और बनाएंगे इसे बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से, जिसे जो भी चाहे जब चाहे बनाकर एंजॉय कर सकता है। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दम आलू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप एक बार खाएंगे ना तो स्वाद भूले ना भुलाएंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है इसे बनाना और इसके आगे ढाबा रेस्टोरेंट के भी आलू दम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, इतनी ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देख किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ दम आलू की सब्जी बनाने के लिए छोटे वाले आलू लिए हैं। अगर आपको ऐसे छोटे वाले आलू ना मिले तो आप मीडियम साइज के आलू लेकर उसे कट करके भी बना सकते हैं। तो मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे और इसे धुलकर अच्छे से उबालकर और इसको छील लिया था। इसे ज्यादा नहीं उबालना था, कुकर में मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे उबालना है। इसके बाद हल्का ठंडा होने के बाद छीलकर इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद एक फॉग या सीक से हमें इसमें होल बना लेना है, यानी प्रिक कर लेना है। ऐसे छेद कर लेने से फायदा ये होता है कि जब हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे ना, इसके अंदर तक ग्रेवी जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट दम आलू बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट प्रोसेस है, इसे करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसे करना बहुत जरूरी होता है। आप चाहें तो कोई सीक या टूथपिक से भी इसे होल कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो सारे आलू पिक हो चुके हैं, चलिए इसे साइड में रखते हैं। और अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसके बाद लिया है मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। फिर लिया है मैंने 3 हरी मिर्च और 1 प्याज को भी मैंने रफली चॉप करके ले लिया है। आप यहाँ प्याज नहीं खाते हैं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं और टमाटर इसकी जगह पे पीस कर पेस्ट बना सकते हैं। और फिर लिया है मैंने 5 से 6 काजू। इसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ लिया है मैंने कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप यहाँ रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और प्रिक किए हुए आलू को डालकर सेलो फ्राई कर लेंगे, यानी जब ये आलू हल्का ब्राउन हो जाए तो फिर हमें इसे निकाल लेना है। तो बस हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो बस इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस भुने हुए आलू को निकालेंगे। और ये जो तेल बचा हुआ है इसी में अब हम तड़का लगाएंगे। आपको तेल ज्यादा पसंद है तो इसमें 2 चम्मच तेल और भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता और इसके बाद लिया है 2 लौंग, 8 से 10 काली गोल मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इसको खोल के डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 इंच दालचीनी के टुकड़े और साथ ही डालेंगे बस थोड़ा सा जावित्री को अच्छे से चलाकर हमें भून लेना है। तो बस थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाए। फिर इसके बाद डालेंगे हम प्याज बारीक चॉप किए हुए। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है ताकि ये अच्छे से आसानी से भून जाए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, जिससे ये सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो बस आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका है। तो अब इस स्टेज पे डालेंगे जो हमने मसाले पीस के रखे हुए थे, अदरक काजू वगैरह। इस पेस्ट को भी डालकर मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक इसमें से तेल रिलीज ना होने लगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट लगा है और इसे हमने भून लिया है। तो बस इस स्टेज पे डालेंगे और भी कुछ डाले। तो यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर लिया है 2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला और 1 टीस्पून मीट मसाला यानी गरम मसाला, और फिर लिया है 1 टीस्पून सौंफ का दरदरा कुटा हुआ पाउडर। और इन सब सूखे मसाले को भी हमें 1 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है, आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसमें से तेल भी रिलीज होने लगा है। इस स्टेज पे डालेंगे टमाटर प्यूरी। मैंने 1 बड़े साइज के टमाटर को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया था। तो इसे भी डालकर हम अच्छे से भूनेंगे
और साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का भी कच्चापन निकल जाए। दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप कमेंट तो बहुत सारा कर देते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं और मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के अनुसार पानी। आपको ग्रेवी जितना पसंद हो, थिक या गाढ़ा, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। और अब हम पानी डालने के बाद डालेंगे जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे उसे, साथ ही डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, अगर आपके पास हो तो आप डालें, या फिर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक ढककर पका लेंगे ताकि आलू के अंदर ग्रेवी अच्छे से चला जाए। चलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देते हैं और इसे ढककर 1 मिनट तक पकने देते हैं। दोस्तों इस दम आलू को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया और आपको बताया है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे विश्वास है आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। कभी ऐसा होता है कि हमें चटपटा खाने का मन होता है और कभी कभार घर में सब्जियां भी नहीं होती हैं और होता है तो सिर्फ आलू, तो उस टाइम पर भी आप इस दम आलू को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। लीड हटाने के बाद आप देख रहे हैं ना कितना ये स्वादिष्ट दिख रहा है, तो बस इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा घी डालकर आप चाहे तो इस जगह पे दूध का मलाई या फ्रेश क्रीम हो आपके पास उसे डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों दम आलू हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसके आगे रेस्टोरेंट और ढाबा का भी दम आलू आपको फीका लगेगा जब आप इसे इस तरीके से घर पे बनाएंगे, तो आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटने न पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।